पूरनपुर तहसील क्षेत्र में सकरिया स्थित ईश्वर अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खेलों के दूसरे एवं अंतिम दिन येलो हाउस ओवरऑल चैंपियन रहा, विजेता ब्लू हाउस रहा। विजेता हाउस के प्रमुख सुमित कुमार कठेरिया ने प्रतिभागियों के साथ विजेता ट्रॉफी प्राप्त की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने विजेता टीम व अन्य विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि हीरालाल वर्मा पूर्व आईजी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के विषय में पूरनपुर के वरिष्ठ समाज सेवी अशोक खंडेलवाल पिपरिया करम के ग्राम प्रधान सरदार हुमन सिंह, क्षेत्र निवासी सरदार मलुक सिंह, सरदार अमरजीत सिंह या सरदार परमवीर सिंह ने अपने विचार प्रस्तुत किए। ये प्रतियोगियों का हौसला बढ़ाया, साथ ही विजेता हाउस के लिए प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की। आज के इस ईश्वर अकादमी के प्रांगण में ये नौवां खेल उत्सव युवा 22 के नाम से मनाया जा रहा है, जो हर साल मनाया जाता है। और इस खेल महोत्सव के माध्यम से ये बच्चे जो हमारे भारत का आने वाला भविष्य है, उन बच्चों को आगे आने वाले समय में स्कूल अपने लेवल पे अपने साधनों से बच्चों को तैयार करता है, ताकि ये भविष्य में भारत का देश का नाम रोशन कर सके। जिसमें इसका उद्घाटन, ये दो दिवसीय समारोह था, जिसका पहले दिन का उद्घाटन माननीय जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप जी भाजपा पीलीभीत के, और आज इसका समापन है, जिसमें राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी जी रहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं मिसेस मंजिंदर पाल रियार ईश्वर एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूं। मैं यहां पे एज अ वाइस प्रिंसिपल कार्यरत हूं। मैं बता दूं कि हर साल ईश्वर एकेडमी खेल प्रतियोगिता को बढ़ चढ़ के कराता है। ये हम कई सालों से कराते आ रहे हैं और ये हमारा 9th स्पोर्ट्स मीट है, जिसका नाम है युवा। युवाओं को हम खेल की ओर मोड़ना चाहते हैं, उनके अंदर खेल की भावना का विकास करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि देश के अंदर जितने हिडन टैलेंट्स हैं, ईश्वर एकेडमी उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे लाना चाहता है। और इससे पहले भी हमारे स्कूल ने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं। आई थिंक कि हमारे तहसील में ये पहला स्कूल है जिसने इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं। और खेलों का विकास और खेलों की सद्भावना को बरकरार रखना ही हमारा उद्देश्य है, और हमारा मैनेजमेंट इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करता है और हम सब मिलकर इसे एक्टिवेट करते हैं। तो खेल बहुत ज़रूरी है बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए।